आपको एक बड़ी खबर बता दें, अवंता ग्रुप के निदेशक को धमकी देने और फिरौती मांगने के आरोप में कंपनी के ही एक सीनियर एग्जीक्यूटिव और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। अवंता ग्रुप ने अपना कोरबा पावर प्लांट अदानी ग्रुप को 4,000 करोड़ में बेचा था और उसके बाद ही 25 करोड़ रुपए मांगने और धमकी का फोन आया था। ये बड़ी खबर। ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, इन दोनों पर आरोप क्या कुछ लगे हैं? निधि, ये जो थ्रेट कॉल आई थी ग्रुप के डायरेक्टर को, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि 4,000 करोड़ रुपए की जो बिलिंग हुई है वो बिना डॉन की अनुमति के उन लोगों ने कैसे कर ली है और इसके लिए उन्हें 25 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, अन्यथा उनके जो निदेशक थे उनके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। और जिस तरह की बातें फोन कॉल में की गई थी उससे ऐसा लगता था कि कंपनी ने जो डील की है उसके बारे में सब कुछ पता है जो कॉलर है। इस फोन के बेस पर शुरुआती तौर में माना जा रहा था कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से धमकी आई है, लेकिन जब स्पेशल सेल को इसकी जांच दी गई तो स्पेशल सेल ने जांच के बाद इसमें जसपाल नाम का जो इनका सीनियर एग्जीक्यूटिव है उसको गिरफ्तार किया है और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। अभी तक की इन दोनों से पूछताछ के दौरान ये तो स्पष्ट हो चुका है कि इसमें फिलहाल अंडरवर्ल्ड का कोई सीधा रोल नहीं है, लेकिन इन दोनों को गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस आधार पर इन्होंने फोन कॉल किया था और क्या इसके पीछे कुछ और लोग भी हैं। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इन दोनों को आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगा, जहां इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश आपका जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि ओपी तिवारी बता रहे थे कि जो कंपनी के निदेशक हैं उनको फिरौती का फोन आया था, उसके बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल की फोन कहां से आया तो दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनी के और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।